रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 7 फरवरी को यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य के मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, जोवा मांझी, दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र महतो, फागू बेसरा सहित कई विधायक और सांसद मौजूद रहे। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो 5 लोगों के साथ नामांकन करने गए। रांची से आने वाले वीआईपी पहले पटेल चौकी स्थित एक होटल में रुके, इसके बाद वहां से सीधे अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय से झामुमो और कांग्रेस समर्थक मंत्री जोवा मांझी और विधायक सविता महतो के साथ जुलूस निकाल अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के नामांकन में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री विधायक दीपिका सिंह पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक अंबा प्रसाद, सांसद गीता कोड़ा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयशंकर पाठक, रमा खलखो, मुन्ना पासवान, बलजीत सिंह बेदी, झामुमो जिलाध्यक्ष विनोद किस्कू, भुन्नू महतो, चित्रगुप्त महतो, पंकज तिवारी सहित सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। नेता है माननीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री साहब, उनका जो कार्यकाल है, जो काम किए हैं, और आपकी जो पूर्व विधायक लोकप्रिय विधायक ममता देवी जो क्षेत्र में काम किए हैं, उन सारी मुद्दा है। खास करके मैंने पहले भी कहा कि गुंडाराज को पूरा खत्म करना है रामगढ़ से, और जो आप देखे अभी 3 साल तक आपने जो माहौल देखा कि किस तरह से चौक चौराहे में हमेशा शांति का माहौल था, और अभी बस जैसे ही विधायक जी का विधायक गया, आप देख रहे हैं क्षेत्र में कितना माहौल चल रहा है। बजरंग जी, विपक्ष का आरोप है कि आप बच्चे को लेकर के घूम रहे हैं, कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मतदाताओं। अच्छा, आप जितने पत्रकार बंधु लोग यहाँ पर सभी है, मैं सबसे आप लोग से ही झारखंडी सबसे व्यवहार करता हूँ। पहले आपने कभी भी देखा है बच्चों को लेकर? आरोप भैया विपक्ष पागल है तो क्या कर सकते हैं, पागल हो गए, उनको दूसरा कोई उनके पास है ही नहीं मुद्दा, तो बच्चे जहाँ तहाँ जा रहे हैं बोल रहे हैं बच्चा को लेकर। तो भाई बच्चा को हम लेके कहाँ जा रहे हैं? आप खुद बच्चा को माँ के लेके घूम रहे हैं, आप कहाँ हैं? जो प्रत्याशी हो कहाँ है? आप वोट मांग रहे हैं, प्रत्याशी को मैदान में उतारिए, आप जनता को वोट मांगिए कि आपकी प्रत्याशी कितना काबिल, हम लोग देखना चाहते, जनता भी देखना चाह रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है। जाके हाथ जोड़ रहे हैं, पैसे के बदल कुछ नहीं होने जा रहा है। वो साल बीत गया, 10 साल 15 साल पहले का मामला था, वो मामला अब नहीं रहा। इससे पहले भी सरकारें आई, लेकिन यूपीए की इस गठबंधन की सरकार ने हिम्मत करके पूरी दृढ़ता के साथ में इस नियोजन नीति को पारित किया और उसे आगे बढ़ाया। उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके चलते हुए यहाँ के युवकों का, हमारे छात्रों का मोह भंग हुआ, और उनकी इस भावना का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन एक चीज़ को गौर करिए, यहाँ के युवक वो भी समझते हैं कि जिस नियत से ये नियोजन नीति बनाई गई है, वो नियत बहुत ही ईमानदारी की थी, और उसी ईमानदारी के साथ में उसमें रह गई जो कुछ भी कमियाँ हैं, उन कमियों को हम पूरा करेंगे, उसे दूर करके इस नियोजन नीति को लागू करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में युवकों और स्थानीय लोगों को इसका फायदा। हम रामगढ़ के लोगों को एक ताकतवर उम्मीदवार देने जा रहे हैं, जिसका नाम ही बजरंग है, बजरंग महतो, और वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार है। राजद, झामुमो, कांग्रेस, सभी दल के लोग आज देख रहे हैं, सभी महती लोग इकट्ठा हैं, और आज के बाद हम लोग पूरी तरह से चुनाव में चले जाएंगे। दुर्भाग्य है कि 5 वर्षों के लिए रामगढ़ की जनता ने ममता देवी जी को चुना था, जिनको आप आंदोलन की देवी भी कह सकते हैं, कि आंदोलन की वजह से ही वो विधायक बनी थी। जनहित के मुद्दों पर, विस्थापन को लेकर के जो लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया था, कंपनी और डबल इंजन की सरकार की मिली भगत से उनको सजा कराया गया है, उसका भी बदला यहाँ के रामगढ़ के लोगों को लेना है। तो हम समझते हैं कि आज शुरुआत है, और जिस तरह का लोगों का रुझान दिख रहा है, जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, लोग पूरी तरह बदला लेने को तैयार हैं, और बजरंग महतो को विधायक चुनने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ का उपचुनाव जो होने जा रहा है, निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जो यहाँ का जो यूपीए का महागठबंधन का चुनाव जो ममता जी के जगह पर उनका पति को जो मिला है, निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका पति को मिला है, और ये निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव महागठबंधन का, यूपीए गठबंधन का जो प्रत्याशी को मिला है, इसके सामने कोई प्रत्याशी भी नहीं है। न्यूज विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11।
म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा।